जी आपके रेडार पर है M&M फाइनेंस। ऑफ लेट हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ खबर आती है जो फिर मार्केट इसकी नेगेटिव भी लेता है और रिसेंटली भी खबर के बाद थोड़ा नेगेटिव भी ट्रेड कर रहा है, क्या राय रखनी चाहिए सर इस पे? बिल्कुल दीपांशु, और मैंने ऑफ लेट तो नहीं रेकमेंड किया है, बट हाँ करीबन 4-5 महीने पहले मैंने जरूर रेकमेंड किया है। वहां से शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो हो गए बट पोजिशनल टारगेट्स नहीं आए हैं, तो इट हैज फेल्ड टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी है, नए प्रोडक्ट्स पे जाने की योजना भी है क्वार्टर आफ्टर अनदर, जो बजाज फाइनेंस के भी है इन द NBFC स्पेस, बट इनके जो डिसबर्समेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे। तो अगर आपने ले रखा है तो कुछ एक आध क्वार्टर और वेट करें, पर फ्रेश खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। अभी रुक जाए, एक बार माहौल देख लेते हैं, क्योंकि RBI के भी बहुत सारे क्लॉज और पॉलिसीज और डिस्कशन पेपर्स आ रहे हैं, तो अभी वेट एंड वॉच करें फ्रेश खरीदारी के लिए। अभी वेट एंड वॉच करें फ्रेश खरीदारी के लिए। यह है आपके लिए M&M फाइनेंस, जहां पर एक्शन आपको इस समय